हे गाइस, वेलकम टू मूवीज कनेक्शन, जहां आज मैं रिव्यू करूंगा हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र को। बाकी क्विक रिव्यू बनाने का रीजन है सपोर्ट जो कि इस वीडियो को मिला, तो मैं आगे भी हिंदी मूवी रिव्यू और करूंगा। बाकी इस क्विक रिव्यू के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, और वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, अगर आप इंडियन मैथोलॉजी को लेकर पनी एक डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर हीरो फिल्म को सपोर्ट करना चाहते हो और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स आगे भी देखना चाहते हो जिसमें VFX का यूज पहली बार इतना ज्यादा लेवल पर किया गया है, फिल्म को एक अच्छा खासा बजट दिया गया है और टाइम भी, तो अगर आप इन सभी चीजों को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस फिल्म को एक बार तो चेकआउट करना ही चाहिए। फिर यूट्यूब पर बैठे कुछ झंडू रिव्यूअर्स कुछ भी कहें, फिल्म को एक मौका तो देना ही चाहिए, जिसके बाद आपका खुद का अपना ओपिनियन होगा, ना कि कुछ झंडू रिव्यूअर्स का। और अब बात कर लेते हैं कि आपको फिल्म को क्यों नहीं देखना चाहिए। तो अगर आप फिल्म से एक काफी जबरदस्त स्टोरी लाइन की उम्मीद लगाए बैठे हैं और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स की भी, तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि कहानी इतनी भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। और रही बात ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो उसमें से आधे से ज्यादा तो ट्रेलर्स में ही रिवील हो चुके थे और बच्चे कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते। वहीं VFX भी कुछ जगहों पर ठीक ठाक है, पर कुछ जगहों पे बहुत ही बुरे तरीके से मार खाता है। बाकी BGM फिल्म का ठीक ठाक था, पर लेंथ कई सारी जगहों पर फील होती है और हमें बोर भी करती है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हर एक एक्टर अपने रोल में अपना बेस्ट ही देता है। बाकी इस क्विक रिव्यू के जरिए मुझे बस यही कहना था कि अगर आपको फिल्म को सपोर्ट करना है तो जरूर करें, वरना ना देखने के रीजन भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो गाइस, ये था फिल्म को लेकर मेरा रिव्यू, पर अगर आपने फिल्म देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू। जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।